दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और हुआ क्या है कि वीवो V15 Pro जो है 20 तारीख को लॉन्च होने वाला है और अभी अभी ओप्पो ने भी एक स्मार्टफोन के लीक्स फेंकना चालू कर दिया है। 91 मोबाइल्स पे आ गया है ओप्पो F11 Pro का, अगर आपको याद हो कुछ इमेजेस आए हैं, कुछ चीज़ें आई हैं और मैंने अलग अलग साइट से ढूंढने की कोशिश की तो जितने भी लीक्स एंड रूमर्स मुझे मिले सबको कलेक्ट किया है और आपके सामने पूरा स्पेसिफिकेशन रखने वाला हूँ। अपने हिसाब से 90% इसमें से राइट हो सकता है, बाकी 10% बाद में चेंजेस होंगे, देखा जाएगा, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जरूर बताइए आपको कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद है तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद है। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन की बात करें और डिस्प्ले की दोस्तों, तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले होगा जो कि करीब करीब 94% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आएगा, यानी आपको इसमें बेजल्स, नॉच, बाकी सारी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। रिजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2340 का होने वाला है। रियर साइड पे आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे दिया हुआ है, अंडर डिस्प्ले नहीं आने वाला है तो उस चीज के लिए थोड़ा सा ख्याल करना। एंड बैक साइड पे आपको फ्लैश और नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग मिलेगी। फ्रंट साइड पे जैसे मैंने कहा कुछ भी नहीं है, नॉच वॉच कुछ भी नहीं है, तो ऊपर पॉप आउट वो मैकेनिज्म जो होगा वो आएगा कैमरास के लिए। तो ये इसका डिजाइनर डिस्प्ले होने वाला है, प्लास्टिक होगा मेटल होगा तो आने के बाद पता चलेगा, देखेंगे, लेकिन स्मार्टफोन दिखने में कमाल का दिखता है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें दो प्रोसेसर पे बातें चल रही हैं, कौन सी वाली आएंगी। पहला है हीलियो का P90, दूसरा है स्नैपड्रैगन का 675। अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों में से कौन से वाले प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। मेरे हिसाब से हीलियो के P90 के साथ आएंगे, लेकिन चांसेस 675 के भी हैं, लेकिन अगर 675 लाते हैं तो प्राइस थोड़ा महंगा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग दांव खेलेंगे P90 पे। मेरे हिसाब से मेरा जो बिट है वो P90 के ऊपर है। अब देखते हैं किसके साथ आते हैं। इसके साथ ये कलर ओएस के साथ आएगा, मोस्ट पॉसिबल चांसेस है 6 के साथ है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि कलर ओएस 6 जल्दी ही आने वाला है, उसका वर्जन 6, एंड वो बेस होगा एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं स्नैपड्रैगन का और हीलियो के, दोनों में से कोई एक प्रोसेसर होंगे। मैं कहता हूँ कि हीलियो P90 के ऊपर आएगा, मेरा बेट उसके ऊपर है। देन उसके बाद कलर ओएस जो भी वर्जन हो, और हीलियो सॉरी ओरियो नहीं, एंड्रॉयड के 9 पाई के साथ आने वाला है। मिक्स हो रहा हूँ वो थोड़ा सा, एंड्रॉयड के 9 पाई के साथ आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कैमरा की, तो रियर साइड पे ड्यूल कैमरा का सेटअप है जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, प्लस उसके साथ साथ आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। अब 48 मेगापिक्सल की बात करें तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें आईसोसेल का G1 का जो सैमसंग का सेंसर है वो यूज होने वाला है, कुछ लोग बोल रहे हैं सोनी IMX586 का सेंसर यूज होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सैमसंग का G1 का सेंसर यूज होगा, सोनी IMX नहीं देने वाले हैं, जो कि 12 मेगापिक्सल का ही आउटपुट देता है आपको मालूम है, तो 12+5 ही समझ लो वही वाला। अपर्चर इसका F1.8 F1.7 तक हो सकता है जितना नीचे लेकर आए। देन उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी इसमें, आपको बुके से लेकर पैनोरमा HDR सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सिंगल कलर LED फ्लैश है रियर साइड पे, नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। फ्रंट साइड की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा होगा, उसका अपर्चर F1.7 का होने वाला है और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे जो आता है उसके साथ। एंड रियर साइड से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट फ्रंट साइड से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये होने वाले हैं कैमरा के स्पेसिफिकेशन। आपको क्या लग रहा है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना दोस्तों, और लाइक जरूर कर देना, इसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं आपके सिर्फ लाइक के लिए, तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। आगे चलते हैं, इसके बाद बैटरीज की बात करें तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जो बड़े फ़ोन्स होते हैं ओप्पो के उनमें 3500 mAh की बैटरी आती है, जो चीप फोन होते हैं उसमें 4000 से ऊपर वाले फ़ोन बैटरीज देते हैं वो लोग, तो इसमें भी 3500-600 mAh की बैटरी आने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हो सकता है इसके साथ आपको टाइप सी पोर्ट दे दें और फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी दे दें, लेकिन आने वाला है इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन उसके बाद सेंसर की बात करें तो सेंसर में सारे सेंसर होने वाले हैं, ओप्पो कभी कंजूसी करता नहीं सेंसर्स में, प्रॉब्लम उसके खाली ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है, तो सारे सेंसर आने वाले हैं सेंसर में। इसमें आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर से लेकर एक्सेलेरोमीटर तक, जायरोस्कोप से लेकर कंपास तक सारे सेंसर मिल जाएंगे, कोई इशू होने वाला नहीं है। रियर साइड पे अगर इमेज देखोगे तो पता चलेगा उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक साइड पे दिया हुआ है, अंडर डिस्प्ले नहीं है इसमें। फेस अनलॉक भी कमाल का होगा, LED जो नोटिफिकेशन लाइट होगी वो नहीं होगी, क्योंकि 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा, तो कोई प्लेस नहीं होगा, जगह नहीं होगा व्हाट्सएप डालने के लिए, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चीज़ होगी कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलने वाला है। स्लॉट की बात करें तो इसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलेगा, जिसको आप 256 GB तक बढ़ा सकते हो। अब कौन कौन से वेरिएंट आएंगे, 4 GB, 6 GB, 8 GB, जो भी वेरिएंट आएगा, वेरिएंट बाद की बात है, अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है तो बाद में ही बात करेंगे उसकी, लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो 20,000 से 25,000 के बीच में होगा, इस बात का कंफर्मेशन है कि 20,000 से 25,000 के बीच में होगा इसका बेस वेरिएंट। तो प्राइस में अगर बात करें तो अगर जैसे मैंने कहा कि हाइब्रिड स्लॉट आने वाला है एंड वेरिएंट नहीं पता, एंड प्राइस जो होगा इसका 20,000 से 25,000 के बीच में होगा। अब कितना आपके हिसाब से होगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
तो मेरे हिसाब से ये है इसके एक्सपेक्टेशन, मेरे हिसाब से नहीं, मैंने लीक्स भी निकाले, कुछ चीज़ें निकली हैं रूमर्स जो भी आपको कलेक्ट किया है, और मैंने भी अपने कुछ चीज़ें ठूंस दी हैं धीरे धीरे ऐसे करके, देखने वाली बात होगी क्या आता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन ज़रूर बताइए। ओप्पो कंपनी आपको पसंद है, क्योंकि आप कुछ अच्छे काम करिए, पहले उतने अच्छे नहीं कर रही थी, बट आप ओप्पो K1 लाए हैं, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है वो भी, एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, तो अच्छी चीज़ है। कैसा लगा स्मार्टफोन आप बताइए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद है तो अनलाइक करना, डिसलाइक करना और मुझे बताना क्यों नहीं पसंद है। बहुत सारे लोग कहते हैं अनलाइक क्यों कहते हो, डिसलाइक क्यों नहीं कहते, चलो कह दिया, डिसलाइक करना और मुझे बताना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियो से सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेज, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।